एक गांव में एक अस्पताल था। उस अस्पताल में एक नर्स थी। उस नर्स के ऊपर एक चुड़ैल का साया था। वह रात के 3 बजते ही चुड़ैल में बदल जाती थी। हे भगवान, 3 बजने वाले हैं, मुझे खुद को एक कमरे में कैद करना ही होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर वह भाग कर जाती है और अस्पताल के एक कमरे में खुद को कैद कर लेती है। फिर जैसे ही रात के 3 बजते हैं, वह नर्स चुड़ैल में बदल जाती है। वह बहुत डरावनी बन जाती है और भूख के मारे तड़प रही होती है, लेकिन कमरा बंद होने की वजह से वह चुड़ैल उस कमरे में ही कैद होकर रह जाती है। वह चुड़ैल पूरी रात भर उस कमरे से निकलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें असफल हो जाती हैं। अरे भाई घनश्याम, ये रात को 3 बजते ही अजीब अजीब सी आवाजें क्यों आने लगती हैं? ऐसा लगता है कोई बहुत तड़प रहा है। भाई, मेरी तो डर के मारे जान ही निकली जा रही है। तुम सही कहते हो भाई, मैं तो जब से इस अस्पताल में भर्ती हुआ हूँ उस दिन से रात को सो नहीं पा रहा हूँ। फिर अगला दिन होने पर वह भूतिया नर्स दवाई लेकर मरीज के पास आती है। अरे नर्स जी, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ टिंकू जी, आपकी तबीयत कैसी है? नर्स जी, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 दिन हो गए मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। आधी रात होते ही अजीब अजीब सी भूतिया आवाजें आने लगती हैं। हमारी तो डर के मारे जान ही निकल जाती है। क्या आपको भी वह आवाजें सुनाई देती हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने तो कभी ऐसी आवाजें नहीं सुनी। आपको जरूर वहम हो रहा होगा। कभी कभी दवा के नशे की वजह से भी ऐसा होता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इतना बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। तभी उस अस्पताल में एक मनचला भर्ती होने आता है। उसका नाम ललिया होता है। अरे भाई, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? तुम किस वजह से इस अस्पताल में भर्ती हुए हो? भाई, मुझे 2 दिन से बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसलिए इस अस्पताल में भर्ती होने आया हूँ। तभी वह नर्स ललिया को दवाई देने आती है। इतनी सुंदर नर्स देखकर ललिया का दिल मचल उठता है। उस नर्स को देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लो, ये दवाई खा लो, कल सुबह डॉक्टर साहब आएंगे, तुम्हें जो भी तकलीफ हो उन्हें बता देना। लाइए ना, आपके हाथ से तो मैं जहर भी खा लूंगा। अभी क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि लाइए दवा दे दीजिए, मैं अभी खा लेता हूँ। फिर वह नर्स ललिया को दवाई देकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे भाई घनश्याम, ये नया मरीज तो एक नंबर का दिल फेंक निकला। नर्स को देखते ही इसका दिल डगमगा गया है। भाई, तुम्हें इस नर्स से ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इसका दिमाग खराब हो गया ना, तो ये तुम्हें जानवरों का टीका लगा देगी। अरे भाई, हम तो अपने गांव के राजा हैं, हमारा दिल जिस पर आ जाता है वह चीज हमारी हो जाती है। फिर रात होने पर, हे भगवान, रात के 3 बजने ही वाले हैं, आज तो वक्त का पता ही नहीं चला, मुझे जल्दी करनी होगी। फिर वह जल्दी जल्दी में जाती है और रोज की तरह खाली पड़े हुए कमरे में घुस जाती है। लेकिन उस दिन जल्दबाजी में वह दरवाजे को ताला मारना भूल जाती है और दरवाजा खुला रह जाता है। फिर जैसे ही रात के 3 बजते हैं, वह नर्स चुड़ैल में बदलने लगती है। कुछ ही देर में वह चुड़ैल बन जाती है। तभी भूतिया आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे टिंकू भाई, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है कोई चुड़ैल है। तुम सही कहते हो भाई, हम तो रोज रात को यही आवाजें सुनते हैं। हमारी तो रातों की नींद ही हराम हो गई है। लेकिन तुम डरो मत, ये आवाजें सुबह होते ही अपने आप बंद हो जाएंगी। भाई, तुमने इसकी शिकायत नर्स से क्यों नहीं की?
मैं अभी उन्हें इसके बारे में बता कर आता हूँ। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? उस नर्स के चक्कर में मत पड़ो, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। अरे भाई, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं भी नर्स से मिलकर आता हूँ। फिर ललिया अपने बिस्तर से उठकर नर्स की तलाश में निकल पड़ती। नर्स मैडम, आप कहाँ हैं? नर्स जी, आप कहाँ हैं? देखो मैं आ गया, मुझे पता है आप ये आवाजें मुझे बुलाने के लिए ही निकाल रही हैं। देखो मैं समझ गया, अब आपको मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ हो मेरी रानी, देखो तुम्हारा राजा आ गया। तभी ललिया चलते चलते उस कमरे के पास पहुंच जाता है। फिर जैसे ही उसकी नजर कमरे में पड़ती है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सामने एक चुड़ैल बैठी हुई होती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। अरे भागो रे, अरे मर गए रे, मैं कहां फंस गया। ललिया को देखकर वह चुड़ैल भी चौकन्नी हो जाती है और उसका पीछा करने लगती है। दरवाजा खुला देखकर वह उस कमरे से बाहर निकल जाती है। ललिया सीधा अपने वार्ड की तरफ भागता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। वह सीधा भागता हुआ जाता है और अपने बेड के पीछे छुप जाता है। अरे ललिया भाई, क्या हुआ? तुमने ऐसा क्या देख लिया? तुम्हारी तो हालत ही खराब हो गई। अरे टिंकू भाई, वह नर्स तो चुड़ैल निकली। जल्दी जाओ और दरवाजा बंद करो, नहीं तो वह चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जल्दी दरवाजा अंदर से बंद कर लो। फिर टिंकू भागता हुआ जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। तभी वह चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। ए, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं बहुत समय से भूखी हूँ। ये नर्स रोज मुझे उस कमरे में कैद कर देती थी, जिसकी वजह से मैं शिकार भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं आजाद हो गई हूँ। जल्दी दरवाजा खोल दे, आज मैं तुम्हें कच्चा खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। हे भगवान, ये हम कहाँ फंस गए? घनश्याम भाई, ये सब इस आशिक ललिया की वजह से हुआ है। इसे बहुत शौक चढ़ा था ना उस नर्स से आशिकी करने का, अब ले ले मजे। खुद तो बेड के पीछे जाकर छुप गया है, अब बाहर क्यों नहीं निकलता? देख, तेरी प्रेमिका तुझसे मिलने आई है। टिंकू भाई, मुझे माफ कर दो, सुंदर स्त्री देखकर मेरा मन फिसल गया था। मुझे क्या पता था ये चुड़ैल निकलेगी। अरे मर गया रे, भगवान हमारी रक्षा करो। मुझे लगता है तू ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगा, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर वह चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। ललिया भाई, मुझे लगता है ये चुड़ैल दरवाजा तोड़ देगी, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। फिर वह तीनों वार्ड में बनी खिड़की से कूदकर अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं। अरे भागो रे, अरे भाई कोई हमारी जान बचाओ, हमारे पीछे चुड़ैल पड़ गई है। अरे मर गए रे। फिर वह भागते भागते एक जंगल में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पुरानी कुटिया दिखाई देती है। वह तीनों भागकर उसके अंदर छुप जाते हैं। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल वार्ड का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है, लेकिन उन तीनों को वहाँ न देखकर गुस्सा हो जाती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाली। अरे भाइयों, मुझे लगता है वह चुड़ैल आज हमें नहीं छोड़ने वाली। वह हमें सूंघते हुए किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। लेकिन भाई, इतनी रात को इस जंगल में भटकना भी तो खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कोई जंगली जानवर हमें मिल गया तो वह हमें कच्चा ही खा जाएगा, हमें यहीं रुककर सुबह तक इंतजार करना चाहिए। तभी वह चुड़ैल
उन तीनों को सूंघती सूंघती वहां पहुंच जाती है। टिंकू भाई, ये कैसी आवाजें हैं? मुझे तो ये उसी चुड़ैल की आवाजें लगती है। लगता है वह हमें ढूंढती ढूंढती यहाँ पहुंच गई है। तभी वह चुड़ैल खिड़की से झांक कर उन्हें देखती है। राजा जी, आप कहाँ हैं? देखो, आपकी रानी बाहर आपका इंतजार कर रही है। बाहर आइए ना, और कितना इंतजार करवाएंगे? घनश्याम भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम इसके पैर पकड़ो, मैं इसकी गर्दन पकड़ता हूँ और इसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं, तभी हमारी जान बचेगी। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला। खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। अरे नासपीटो, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे वापस नीचे उतारो, मुझे मुझे घर से बाहर मत फेंको। ये चुड़ैल मुझे कच्चा ही खा जाएगी। अरे मर गया। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ओहो राजा जी, आपने बाहर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे मर गया। अरे नासपीटो, ये तुमने सही नहीं किया। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। अरे मर गया। अरे अब ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्या करूं? हे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। फिर जैसे ही चुड़ैल ललिया को मारने लगती है, उसका ताबीज सामने आ जाता है। ताबीज देखते ही चुड़ैल घबरा जाती है और डर के मारे पीछे हट जाती है। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी स्त्री पर नजर नहीं डालूंगा। आए, मुझे छोड़ दो। फिर ललिया आंख खोलकर देखता है कि चुड़ैल उस पर हमला नहीं कर रही है, उल्टा डरी सहमी हुई खड़ी है। फिर उसकी नजर अपनी ताबीज पर जाती है। अरे ये क्या, इसे क्या हो गया? अभी तो मुझे मारने वाली थी, फिर अचानक से पीछे कैसे हट गई? ए, पीछे हट जा, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करियो। अच्छा, तो ये बात है, ये चुड़ैल इस ताबीज से डर रही है। अरे भाई घनश्याम, ये बाहर आखिर चल क्या रहा है? ये चुड़ैल अचानक ललिया से डर क्यों रही है? टिंकू भाई, वो देखो, ललिया के हाथ में जो ताबीज है, ये चुड़ैल उसी से डर रही है। चलो, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। फिर वह दोनों भी भागकर बाहर ललिया के पास पहुंच जाते हैं। ललिया भाई, तुम्हारे इस ताबीज ने तो हमारी जान ही बचा ली, अब हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये फिर किसी को अपना शिकार बनाएगी। तुम सही कहते हो भाई, लेकिन क्या करें? तुम एक काम करो, ये ताबीज इसके सर की ओर उछाल दो, ताकि ये सीधा इसके गले में चला जाए। ये देखना, इस ताबीज में कितनी ताकत होती है। फिर ललिया उस ताबीज को चुड़ैल की ओर उछाल देता है और ताबीज सीधा उसके गले में पड़ जाता है। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? अरे मर गई रे, हे अल्लाह मुझे माफ कर दो, मैं आपसे अपने कर्मों की माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल का साया उस नर्स के ऊपर से हट जाता है और वह नर्स ठीक हो जाती है। इस ताबीज को तुम ही रख लो, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। इसी तरह नर्स को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।